अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी जनरल एबिलिटी की क्लास में टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको पीछे से हमने जितना पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों की कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, काइंडली आप लोग ये जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चन ना किया करें। आपकी क्लास का ऑलरेडी टाइम कम होता है तो आप भी है वो अपने जो क्वेश्चन होते हैं ना अपने एकेडमिक क्वेश्चन वो ही किया करें इस क्लास में तो बेहतर होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट करने लगे आज फ्रैक्शन को। अच्छा, सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन होती क्या है? फ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? ठीक है, इसमें आपके पास ये समझ लीजिए कि फ्रैक्शन जो है वो आपके पास जो एक शॉर्ट टाइप होती है या शॉर्ट एक्सप्रेशन होता है वो डिवीजन प्रॉब्लम्स का होता है। जिस तरह आप लोगों के पास डिवीजन का प्रॉब्लम्स के जो है वो शॉर्ट हैंड्स होते हैं, सेम इसी तरह जो है वो आपके पास जो है वो ये फ्रैक्शन होते हैं डिवीजन की तरह। लेट्स सपोज अगर आप लिखते हैं 3/4, ठीक है, ये इक्वल आपके पास होगा 3/4। ठीक है, ये आपके पास इसके इक्वल आएगा। इसमें आपके पास हमने बताया हुआ है कि फ्रैक्शन में जो है वो आपके पास ये न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, जब आप फ्रैक्शन में से किसी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम होने चाहिए। ये जो है आपके पास डिनोमिनेटर ये सेम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप फ्रैक्शन में किसी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो फिर आप फ्रैक्शन को किस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ठीक है, आपके पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर आपके पास जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो फिर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर आप लोगों ने एलसीएम लेना होता है, फिर आप लोगों ने एलसीएम लेना होता है, टेक एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ ये हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। आप जितनी रिक्वायरमेंट आपकी फ्रैक्शन की है इतनी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास है एग्जांपल 3/2 प्लस 1/4। यहां पर आपके पास न्यूमिनेटर डिफरेंस, डिनोमिनेटर डिफरेंस है, और एक और आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, 11/12 प्लस 5/12। यहां पर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंट है। यहां पर सेम है वहां पर आप लोग किस तरह करेंगे? पहले आप सेम के लिए देखें कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप लोगों ने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस तरह से करनी है। इसमें आपके पास क्या है? आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ गए, आप इनको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, देन ऊपर वाले जो है वो जमा हो जाएंगी, 11+5, तो ये आपके पास क्या आएगा? सिक्सटीन बाय ट्वेल्व।
अब फ्रैक्शन तक तो ये यहां तक सही है, इसको मजीद भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक भी ये सही है। अगर आप देखें कि अब यहां पर आपके पास तीन न्यूमरेटर डिफरेंस है, फिर आप कैसे करेंगे? आपने यहां पर एलसीएम लेना है, आप एलसीएम किस तरह लेंगे? ठीक है, यहां पर आप लोग देखिएगा इधर। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करने लगी हूँ। आपने एलसीएम लेना है टू और फोर का, आप लोगों ने टू और फोर का एलसीएम लेना है। ठीक है, ये अब एलसीएम है। अब ये जो है दोनों क्वांटिटीज किस पर जो है वो डिवाइड हो सकती है? टू पर हो सकती है, टू वन से टू एंड टू टू द फोर। अब ये मजीद टू पर हो सकती है, ये वन एज इट इज आ जाएगा और ये जो है टू वन पे हो सक जाएगा फिर अगेन। ठीक है, अब इसका एलसीएम आप लोगों ने कैसे निकालना है? ये जो वैल्यूज है इनको आप लोगों ने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये आपके पास आएगा फोर। अब आपके पास एलसीएम क्या आ गया है? अब आपके पास एलसीएम किसके इक्वल है? फोर के। अब आपके पास इस क्वेश्चन में एलसीएम फोर है। अब आपके पास अगर एलसीएम फोर है तो फिर आप फर्दर इसको कैसे करेंगे? फर्दर आप करेंगे इसको, अब ऊपर आपके पास थ्री है, थ्री मल्टीप्लाई, अब जितने डिजिट्स ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाला ये दो के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तब चार आंसर आया है ना आपके पास, तो यहाँ पर इसके साथ भी दो आप लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ। प्लस आपके पास वन है, फोर जो है वो आपके पास एलसीएम भी फोर ही है, तो लिहाजा इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, तो यहाँ पर प्लस वन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास फोर आ जाएगा। तो ये आपके पास किस तरह से होगा? थ्री टू द सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर, ये आपके पास आंसर क्या आएगा? सेवन बाय फोर। ये आप लोगों ने इस तरह से करना होता है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम आएंगे तो फिर आप लोगों ने ये सिंपल मेथड यूज करना है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंस आ जाते हैं तो फिर आप लोगों ने उसको सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेकर जितने डिजिट के साथ, वो आप एलसीएम लेके इतने के साथ आप लोगों ने फिर मल्टीप्लाई करना होता है। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप जितने के साथ जो है एलसीएम आया है उसको डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और जो है वो फिर आप लोगों ने एलसीएम लेने के बाद उसको इस तरह से सॉल्व करना होता है। जी आपके पास होता है, अगर आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो है वो रूल सेम होते हैं। अब अगर आपके पास कन्वर्ट करना हो, आपके एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको फ्रैक्शन दी गई हो और आपने उसको सिंपल करना हो, तो आप किस तरह से उसे सिंपल करेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किस तरह से जो है वो सिंपल करना है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने सिंपल किस तरह से करना है? आपको अगर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो फ्रैक्शन दी गई है, तो आप उसे सिंपल कैसे करेंगे? लेट्स सपोज आपको दी गई है फोर इंटू टू द फाइव, टू डिवाइडेड बाय फाइव, फोर इंटू टू डिवाइडेड बाय फाइव। अब आप लोगों ने इसे जो है वो सिंपल में कन्वर्ट करना है, इस फ्रैक्शन को आप कैसे करेंगे? आपने जब इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो ये जो वैल्यू नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है, इसको आपने इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लाई होगी, और इसके बाद जो है वो इस डिजिट जो आंसर आएगा उसमें से इस डिजिट को ऐड करना है। ठीक है, अब ये कैसे आएगा? चार पांच बीस और दो बाईस, बाईस डिवाइडेड बाय फाइव, ये आपके पास सिंपलेस्ट है फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन है आपके पास। अगर आपके पास इस तरह की कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आपको दी गई होंगी, तो इस तरह से आप उन्हें सिंपल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर आप लोग देखें,
लेट्स सपोज आपके पास 7 3 डिवाइडेड बाय 4, इसे आप कैसे करेंगे? 7 4 28, 28 प्लस, ये आप कैसे अब करेंगे? आप लोगों ने सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ठीक है? ये आपके पास 28 आएगा, और 28 में देन आप लोगों ने 3 को ऐड करना है। इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका न्यूमिरेटर होगा, 31 आंसर है, और ये आपका न्यूमिरेटर है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमिरेटर आपके पास चेंज होगा, ऊपर वाली वैल्यू आपके पास चेंज होगी, ये वाली वैल्यू आपके पास चेंज होगी, ठीक है? और ये वैल्यू आपके पास चेंज होगी, ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास सेम रहेगी, ये वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होगी जब आप कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमिनेटर चेंज होगी, नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगी, ठीक है? इस तरह से जो है वो आप कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने एडिशन भी देखी है, सब्ट्रैक्शन भी देखी है, और हमने देखा है कि आप किस तरह से जो है वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, आपके पास आप लोग किस तरह से जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी फ्रैक्शन जो है वो लार्जर है? हाउ टू फाइंड विच फ्रैक्शन इज लार्जर, यानी कि आप लोगों ने कंपेरिजन करना है, आपको जो है वो डिफरेंट दे गई होंगी फ्रैक्शन, उनमें से आप लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना है कौन सी फ्रैक्शन में से सबसे ज्यादा जो है वो लार्जर, ठीक है? अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। किस तरह सेम करना है? किसी भी सूटेबल नंबर के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। इसमें फर्स्ट स्टेप आप लोगों क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करनी है, डिनोमिनेटर आप लोगों ने सेम करना है। कैसे सेम करना है? किसी भी सूटेबल नंबर के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? इसमें आपके पास जो न्यूमिरेटर सेम करने के बाद जो आपके पास न्यूमिरेटर कैपिटल होगा वो आपके पास लार्ज फ्रैक्शन होगी। जो आपके पास लार्जर होगा न्यूमिरेटर, लार्जर द न्यूमिरेटर, लार्जर द न्यूमिरेटर, लार्जर इज द फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर कैसे सेम करने है? आप लोगों ने उनको किसी भी सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपके पास अदर जो आपके पास न्यूमिरेटर लार्ज होगा वो आपके पास फ्रैक्शन भी लार्ज होगी। लेट्स सपोज आपके पास एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ जो है वो फ्रैक्शन है, 2/3, ठीक है, एक फ्रैक्शन आपके पास ये है, सेकंड फ्रैक्शन आपके पास है 4/7, और जो आपके पास थर्ड फ्रैक्शन है वो आपके पास है 2/21, ठीक है? ये आपके पास तीन जो है वो फ्रैक्शंस हैं, इनको आप लोगों ने किस तरह से जो है वो सॉल्व करना, और आप लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो लार्जर है, ठीक है? अब सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी कि इनके जो नीचे वाले बॉटम वाले डिजिट्स हैं इनको सेम करना है। ये आप कैसे सेम करेंगे? आप लोगों ने किसी भी सूटेबल नंबर के साथ इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? नीचे वाले यानी कि आपने सेम करने, तो आप कैसे सेम करेंगे? ये जो आपके पास है 2/3, आइए 21 है,
7, 21, ये सारे जो डिजिट्स हैं इनमें से 27 पर ये 3 भी जा सकता है, 7 भी जा सकता है, 21 भी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने 21 आता है। 7 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 आएगा, 3 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 आएगा। इसका मतलब है कि हम 21 पर इनको कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, सेम कर सकते हैं। तो अगर हम इनको 21 पर सेम करना चाहें तो हमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 के साथ। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 7 के साथ, ठीक है। यहां पर आपके पास आएगा 7 मल्टीप्लाई आप लोगों ने करना है, सॉरी 7 को आप लोगों ने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई, 2 बाय 3 है। इधर भी 7 के साथ ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा डिजिट, नीचे भी यही सेम डिजिट भी है, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसमें आपके पास अगर जो है वो 7 को करें तो फिर आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आपके पास आएगा। तो ये आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 7। आप लोगों ने ये याद रखना है कि जिस डिजिट के साथ भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 21 को 1 के साथ करेंगे तो आपके पास जो वो 21 आएगा, तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 21 आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू क्या आती है, 7 to the 14 और 21 आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा 21। इसमें आपके पास 12 और 21 आ जाएगा और इसमें आपके पास 2 और 21 आ जाएगा। अब आप ऊपर देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास न्यूमिरेटर लार्ज होगा वो आपके पास फ्रैक्शन लार्ज होगी। अब इस वैल्यू सारी में से आपके पास कौन सा न्यूमिरेटर किसका लार्ज है, पहले वाले का, दूसरे का या तीसरे का? न्यूमिरेटर की बात हो, डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, न्यूमिरेटर की बात हो रही है। यहाँ पर जो पहला है इसका लार्ज है क्योंकि 14 लार्ज है सब में से इसमें से, ठीक है। अब ये लार्ज है, उसके बाद सेकंड पे ये है और थर्ड पे ये है। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो फिर भी आप आसानी से बता सकते हैं, लेट्स सपोज इसे आप ए कंसीडर करें, इसे आप बी कंसीडर करें, इसे आप सी कंसीडर करें, तो फिर भी आप बता सकते हैं कि 2 बाय 3 फ्रैक्शन, अगर सिर्फ एक पूछा जाए तो फिर भी आप बता सकते हैं कि 2 बाय 3 इज द लार्जर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो फिर आप इस सिंपल ऑर्डर को जो है फॉलो करेंगे कि 3 है, उसके बाद 2 बाय 3 है, देन 4 बाय 7, देन 2 बाय 21 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोगों ने जो है वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं कि जब आपको फ्रैक्शंस दी हो गई तो इनमें कौन सी फ्रैक्शन जो है वो लार्ज है, ठीक है। यहां तक तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, आप लोगों ने डिन्यूमिनेटर को सेम करना है, इन सारे डिजिट्स को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग, सेम के साथ भी अलग, डिफरेंट के साथ भी कर सकते हैं। जब आपके पास डिन्यूमिनेटर यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाएंगे तो फिर आप लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू को कंपेरिजन करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास लार्ज होगी वो आपके पास वही आपके पास बेसिकली लार्जर फ्रैक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ना प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, आप लोग खुद भी विजिट करते रहा करें कायदे आजम ऑनलाइन एकेडमी की जो है ऑफिशियल आपके पास वेबसाइट है, उसे विजिट करते रहा करें, तो वहां पर भी आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस शीट्स मिल जाया करेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि आप लोग जो है वो मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को किस तरह सिखा सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है कि सिंपल आपके पास जो फ्रैक्शंस दी गई होती है उनके न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, और डिन्यूमिरेटर के जो डिन्यूमिरेटर होते हैं किसी भी फ्रैक्शन को उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है, और अगर पॉसिबल हो तो उसको मजीद आप रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 और डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई
डिवाइड बाय थ्री, ठीक है। ये आपके पास दो फ्रैक्शन हैं, इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करेंगे, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 to the 10 एंड 7 is the 21। तो ये आपके पास आंसर है, ये मजीद आपके पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आप एक और देखिए, 4 divided by 9 मल्टीप्लाई 5 divided by 2। आप इसे अब सॉल्व कीजिए, ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें भी आप लोगों ने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आपके पास आएगा, 20 divided by 9 multiply 2 18। ये अब सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 के साथ ये हो सकता है, 2 10 20 एंड 2 9 18। ये आपके पास अब इसका आंसर आएगा 10 by 9। इस तरह से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है फ्रैक्शन को। अभी से हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था ये, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती थी, ये सिंप्लीफाई हो सकती थी तो इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है कि आप जो है वो डिवीजन फ्रैक्शन की किस तरह से कहते हैं, फ्रैक्शन में डिवीजन किस तरह से होती है। डिवीजन के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने 5 by 7 डिवाइडेड बाय 1 by 3। इसमें आपने क्या करना था, ये जो आपके पास सेकंड फ्रैक्शन होती है, फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास एज इट इज रहेगी, और जो आपके पास सेकंड फ्रैक्शन होती है इसको आप लोगों ने चेंज करना होता है। इसके जो न्यूमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बना देना होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमिनेटर बना देना होता है। इस तरह आप लोगों ने इसको चेंज करना होता है, इनवर्जन यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आपके पास ये जो साइन है, ये साइन आपके पास चेंज होकर जब इन्वर्जन होगी तो ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा 5 by 7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, जब मल्टीप्लाई आएगा तो ये जो है वो फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, इन्वर्ट होगी तो ये हो जाएगा 3 by 1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 5 3 15 एंड 7 1 7, तो ये आपके पास 15 by 7 आंसर आएगा। इस तरह से आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है, डिवीजन डायरेक्ट नहीं करते आप क्या करते हैं, डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन के साथ चेंज करते हो, और जब आप डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन के साथ जो है वो चेंज करते हैं तो फिर आपके पास ये जो फ्रैक्शन है सेकंड फ्रैक्शन, ये इन्वर्ट हो जाती है, सेकंड फ्रैक्शन फिर आपके पास इन्वर्ट हो जाती है, न्यूमिरेटर डिन्यूमिरेटर बन जाते हैं और डिन्यूमिरेटर न्यूमिरेटर बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोगों ने जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन करनी होती है फ्रैक्शन में। अगर आप लोगों का यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, आप लोग जब डिवीजन करेंगे तो आप लोग डिवीजन में सबसे पहले डिवीजन डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग डिवीजन को जो है वो आप मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ चेंज करेंगे, जब मल्टीप्लीकेशन के साथ आप चेंज करेंगे तो उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन होगी वो आपके पास इन्वर्ट हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज डिस्कस होगी और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है स्टूडेंट्स। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।